सो फ्रेंड्स, आज हम सुबह सुबह आए हैं पूरी हलवे का नाश्ता करने के लिए, और जहाँ से मैं बहुत ज़्यादा पूरियाँ पसंद करता हूँ, जिस बंदे की उसकी दुकान आप देख सकते हैं, गुलशन स्वीट्स, यहाँ से हम खाने वाले हैं। यार मैंने बड़ी बड़ी जगह से पूरियाँ खाई हैं, लेकिन यहाँ की पूरियाँ इतनी मज़ेदार होती हैं क्योंकि इनका ऑयल जो है बिल्कुल फ्रेश होता है और हलवा बहुत मज़ेदार होता है। साथ ही प्याज और वो चार जो होता है ना, वो भी देते हैं। तो अभी बस हमने चार पूरियों का ऑर्डर दे दिया, अभी आती हैं, फिर आपको बताते हैं कि किस तरह की। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ चने और हलवा भी मौजूद है, गर्मा गर्म। बस हमारी पूरियाँ आने लगी हैं, मेरे तो मुँह में अभी से पानी आ रहा है, अब खा के देखते हैं। हाँ, गर्मा गर्म पूड़ियाँ लिया हलवा, मज़ेदार। आप पूड़ियाँ खाने के बाद मिलते हैं। तो भाई साहब, पूड़ियाँ खाने के बाद पूड़ियों वाले के सामने मौजूद था लस्सी वाला, और लाहौर के लोग तो पूड़ियों के बाद लाजमी मीठी लस्सी पीते हैं। बहुत ही मज़ेदार लस्सी थी, हल्का सा मीठा क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, और यकीन मैंने मज़ा आ गया आज नाश्ता करने का। सो फ्रेंड्स, आज है संडे और मैं जा रहा हूँ फैसलाबाद, और मैं तैयार शहर हो गया हूँ। आज का मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं, फिर बादल आए हैं ज़बरदस्त से। तो मैंने इन ड्राइव वाले को बुलाया, बस वो आने वाला है, उसके साथ बैठ के फिर हम निकलते हैं। वाला आ गया, मुझे कॉल आ गई है, बस अब निकल रहा हूँ, फिर आगे मैंने किसी के साथ फैसला बन जाना। तो भाई सब, इन ड्राइव के आने के बाद इन ड्राइव पे हम बैठे, रास्ते से मामा की मेडिसिन ली और सफ़र हमारा शुरू हुआ, और चलते चलते माल रोड से होता था मैं पहुँच गया। फाइनली मैं जहाँ पहुँचना था मैं पहुँच गया हूँ, इन ड्राइव से मैं उतर गया हूँ, भाई ने मुझे ड्रॉप किया, अब अंदर चलते हैं। स्टे पे आया हूँ, यहाँ से चाय शाय लेने अब फैसलाबाद जा रहे हैं, तो बस रास्ते में स्टे किया। फिर जनाब जी, फैसलाबाद से वापस आके मुझे लग चुकी थी भूख, और मुझे मिले मेरे दोस्त, उन्होंने कहा चलते हैं मेन मार्केट। तो हम जनाब जी फिर पहुँचे मेन मार्केट में, और मेन फ्रेंड्स हम इस वक्त मौजूद हैं मेन मार्केट, और हम खाने वाले हैं स्पाइरल पटाटोज, ये बड़े मज़ेदार होते हैं, और आज खा के देखेंगे कि कैसे हैं। तो वैसे मैंने पहले भी खाए, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो आज यहाँ से टेस्ट करते हैं कैसे हैं। और भाई ने ये बड़ी मज़ेदार सी कोई चीज़ बनाई हुई है, ये आप देख सकते हैं, और वो हमारे स्पाइरल पटाटो जो हैं वो बन रहे हैं, बस अब बेसब्री से इंतज़ार है, जल्दी से बन जाए और हम जल्दी जल्दी इसको खा लें। अब देखते हैं कितनी देर में ये बनते हैं। फाइनली गाइज, हमारे स्पाइरल पटाटोज हमारे सामने आ चुके हैं, और मेरे मुँह में बहुत ज़्यादा पानी, और ये लो पकड़ो, और मैं जो हूँ ना, लाहौर दा बाबा अख्तर लावा। ओहो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इतने मज़ेदार, और ऐसी चीज़ पता नहीं आपको दुबई में भी मिलती है कि नहीं, और दिल कर रहा है ऐसे ऐसे खा लो, लेकिन ऐसे नहीं खाया जाएगा, इसको तोड़ कर खाना पड़ेगा। और पहला मैं आपको खा के दिखाता हूँ, आ जा बेटा ये देखें, कमाल राणा जी, मुझे उड़ाने को दे दो, आप दो बना दे, आलू इसमें एक ही लगता है, लेकिन क्या बात है, एक स्पेशल मशीन है। मुझे बहुत ज़्यादा, यार मुझे बोलने दो, मुझे स्पाइरल पोटैटोज बहुत ज़्यादा पसंद है, और आपने भी अगर खाया और आपको ये पसंद है तो देर मत कीजिए, अभी कमेंट में बताएं, और अगर नहीं खाया तो अभी मेन मार्केट आएँ और खाएँ और मज़े लें। आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी कौम जो है वो कुछ कर नहीं सकती, ऐ देखो मंजिया बन के उधर तो होंडा बनता है, क्या बात है बाबा जी, जीमा टाइम।